हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में और फाइनली आप सबने अपना आंसर किसे मैच कर लिया होगा कि कितना क्वेश्चन आपका राइट है, कितना मार्क्स आपको आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो अब मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और हाँ, जो आंसर की आया था तो उसके बारे में वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरे को भी अभी कॉलेजेस के असाइनमेंट प्रैक्टिकल्स थे तो मैं थोड़ा बिजी था। बट आपने ओवरऑल देख लिया होगा कि कितना आपका मार्क्स आ रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको उस मार्क्स के अकॉर्डिंग लास्ट टू ईयर में क्या रैंक का रेंज रहा है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि अपना इस रैंक के बीच में फॉल करने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको अगर मैं जिस भी टॉपिक का वीडियो नहीं बना पाता हूँ, अगर आपको उसको अपडेट चाहिए और काउंसलिंग में कैसे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करें, उस सबके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखो, बात करते हैं आपको पता है 600 मार्क्स का आपका पेपर था। पेपर आपका 3 डेज में और 1 डे में 2 शिफ्ट्स थी, तो अलग अलग शिफ्ट्स में आपका पेपर हुआ। देखो 580 से 490 जिसका भी मार्क्स है तो उसका 200 के बीच में रैंक फॉल करेगा। और ये जो है ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं, आपकी ऑल इंडिया रैंक है। और जितना भी ये बताया हुआ है एक्सपेक्टेड है लास्ट ईयर के टू ईयर के अकॉर्डिंग। दूसरा देखिए, 490 से आपका 350 रैंक तक, उसके बाद में देखिए आपका 400 से 380 3500 तक रैंक तक। आप जैसे जैसे इसमें ग्रेजुअली चेंज करते जाओगे, देखिए आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ऐसा नहीं कि परफेक्ट है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। जो आपको बताया हुआ है 330 से 300 मार्क्स अबव द 11 की रैंक। और जर्नल और ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें, जिनका 10 के रैंक तक है तो उसको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 10 के तक जो भी कैटेगरी ओबीसी और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट और ईडब्ल्यूएस वाले, तो वो कुछ ना कुछ मिल गया था। तो अब की बार आप मान सकते हो 9 के रैंक तक उनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई भी कॉलेज या कोई भी कोर्स। और आप बात करोगे एससी और एसटी, तो आप इसका आइडिया लगा सकते हो। जब 10 के 9 के तक जनरल ओबीसी को मिल रहा है तो आप 20 के या उससे अबव देन में भी आप मान सकते हो कि आपको वहाँ तक मिल सकता है। जब मैं आपको एक बता दूँ कि आई थिंक 80 के तक आपको कन्फर्मली कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। सो अब अभी आपको ये समझ आया और आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या उसको देख सकते हो। अभी मैं आपको बता दूँ कि मेरे पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि भैया कितना मार्क्स, एक गुड मार्क्स हम बता सकते हैं कि अगर इतना मार्क्स मेरा आ रहा है तो मेरे को कोई ना कोई मिल जाए। देखो, अगर एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं भाई, आपका 300 मार्क्स भी आ रहा है ना, 300 मार्क्स भी आ रहा है तो आप देखिए कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपको एग्रीकल्चर चाहिए तो आपको इससे ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। और अगर आप 350 मार्क्स, 330 या 340 इस रेंज तक आप लाते हो जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। सो आई होप आपको जो वीडियो में बताया वो समझ आया होगा, वीडियो बहुत छोटा है। और हाँ, एक पॉइंट और कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो वो बात को ध्यान से सुने भाई। तुम्हारा कितना भी मार्क्स आया हो, तुमको 50 मार्क्स ही आया हो, 30 मार्क्स ही आया हो, या जितना स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया उससे एक ही कम रैंक आपकी थी, लेकिन आपको काउंसलिंग में नेसेसरी है पार्टिसिपेट करना, आपको कोई ना कोई कॉलेज चाहिए, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपका कुछ भी रिलेटेड डाउट हो ICER एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी अदर एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।